नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोनिक सेक्शन से है, जिसमें परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त, ये तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं अपने परवलय से, पैराबोला से। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी, और तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इसको शेयर करें, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं परवलय से। परवलय की डेफिनेशन जो है वो क्या है कि एक गतिशील बिंदु P का बिंदु पथ जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है कि उसी समतल में उसकी एक स्थिर बिंदु S और एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात हमेशा क्या रहता है अचर। ये कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन है। कॉनिक सेक्शन के अंदर क्या रहता है कि अगर एक पॉइंट ले P आप, तो एक बिंदु और एक सरल रेखा से उसकी दूरियों का अनुपात हम शो कर सकें किससे, E से, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, तो वो आपका क्या कहलाता है, शंकु परिच्छेद। अब इसके अंदर देखते हैं, ये जो S है ये इसका क्या कहलाता है, स्थिर बिंदु, और ये स्थिर रेखा, तो स्थिर बिंदु को हम नाभि कहेंगे और स्थिर रेखा को क्या कहेंगे, नियता। और इसका जो अनुपात होगा एस पी, पी की एस से दूरी और पी की एम से दूरी, इनका जो अनुपात है उसको किससे शो करेंगे, ई से, जो कि एक ई को क्या कहेंगे हम, इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। फिर आता है आगे, नाभि से गुजरने वाली नियता के लंबवत शंकु परिच्छेद की अक्ष कहलाती है, जो नाभि से गुजरेगी, ठीक है, वो नियता की क्या होगी, लंबवत, वो आपको आगे पता लग जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, अक्ष। और अक्ष और शंकु परिच्छेद का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु शीर्ष कहलाता है। शंकु पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसकी जीवा कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन है, शंकु परिच्छेद की प्रत्येक जीवा एक बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यह शंकु परिच्छेद का केंद्र कहलाता है। सेंटर वो होगा जिसमें प्रत्येक जीवा क्या करेगी, एक फिक्स पॉइंट पे समद्विभाजित होगी। यह बिंदु अक्ष व नाभियों की दूरी का मध्य बिंदु होगा। अक्ष के लंबवत नाभि से गुजरने वाली रेखा शंकु का क्या कहलाती है, नाभि लंब। अब देखो, इसेंट्रिसिटी से अपने देख सकते हैं कि वो वृत्त होगा, परवलय होगा, अति परवलय होगा या दीर्घवृत्त होगा। अगर इसेंट्रिसिटी जीरो है तो वो क्या होगा, सर्कल या वृत्त। अगर ग्रेटर देन वन है तो अति परवलय, इक्वल्स टू वन है तो परवलय, अगर लेस देन वन है तो दीर्घवृत्त। यहाँ की इंग्लिश मीडियम का है तो उसके लिए लिखे हुए हैं, वैसे सभी को बीएससी तक की नॉलेज रहती है नाम की। वृत्त सर्कल, अति परवलय हाइपरबोला, पैराबोला परवलय, दीर्घवृत्त एलिप्स। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक परवलय। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या रहेगी, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर एक्स, या वाई की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस टू अंडर रूट ए एक्स। शेप देखो कैसी बनेगी, अगर इसको अपने ड्रॉ करेंगे तो ये वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश, ये अपने का सिंपल ग्राफ है। अगर इसकी जो नाभि लें अपने ए कोमा जीरो, तो यहाँ पे परवलय बनेगा कुछ ऐसा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसकी नाभि कितनी है, ए, वो अपने आगे देखेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सेंटर से होता हुआ जाएगा, जो कि ये ए इसका यहाँ क्या कहलाएगा, शीर्ष, ठीक है, और एक्स एक्स डैश इसका अक्ष, ये नीता आपकी, ये पी पॉइंट, ये नाभि लंब। डेफिनेशन देखते हैं, वर्टेक्स शीर्ष क्या कहलाएगा, ए, फोकस या नाभि इसकी एस ए कोमा जीरो, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स मतलब नेता, नेता का जो फुट है वो के से शो किया हुआ है, जो कितना होगा, माइनस ए कोमा जीरो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर इसकी इक्वेशन देखें तो क्या आएगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए या एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई अगर अपने देखें, तो अगर यहाँ ये पॉइंट ए है, इस पे परपेंडिकुलर ये पैराबोला को टच करेगा, तो किस पॉइंट पे करेगा, टू ए कोमा माइनस टू ए, तो इसकी जो लंबाई अगर अपने निकालेंगे तो टू ए से माइनस टू ए, यानी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोर ए। इसेंट्रिस एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम,
नाभि लंब की सीमाएं, सीमाएं आपको पता है ए कोमा टू ए, ए कोमा माइनस टू ए। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम एक्स इक्वल्स टू ए, इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, ए पॉइंट पे बन रहा है तो क्या आ जाएगा एक्स कोमा ए, एक्स इक्वल्स टू ए। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, अगर P की फोकल डिस्टेंस नाभि से ये दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखना। अपनों ने कहा था अगर E इक्वल्स टू वन है तो वो क्या होगा, पैराबोला। यानी एस पी, एस से P की दूरी और इस नेता से इसकी दूरी, एक फिक्स रेखा से पी एम की दूरी जो है वो आपस में क्या होंगी, बराबर। तो अपने S और P की दूरी, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, नाभि ये दूरी किसी बिंदु की, नाभि से इस बिंदु की दूरी निकालनी है तो अपने P से M तक की दूरी देख लेते हैं। P के जो कोऑर्डिनेट है वो है x कोमा वाई, यानी x डिस्टेंस है P से Q तक की, और आगे Q से M तक की डिस्टेंस कितनी है, A, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस A, वही आपकी फोकल डिस्टेंस है। ये नीचे और ग्राफ बनाए हुए हैं अलग अलग पैराबोलास के, फर्स्ट है एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर ए वाई, फिर है वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स, उसके बाद है एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस ए वाई। एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने परवलय का, सिंपल एग्जाम्पल है, इसके अंदर अपने शीर्ष अक्ष नाभि, नाभि लंब वगैरह देखे हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। नॉर्मल आपको अगर दिया होगा एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर ए वाई या वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर एक्स या किसी भी इक्वेशन में, तो आप पैराबोला के शीर्ष नाभि लंब और वो देख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, परवल्य दे दिया आपको 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36y प्लस 19 इक्वल्स टू जीरो के शीर्ष अक्ष नाभि लंब नाभि ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, x स्क्वायर x वाली टर्म है तो मतलब x माइनस समथिंग का या x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो मैंने इसको चेंज कर लिया पहले ही, x माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस हाफ। अब इसमें क्या करना है, मैंने इस पूरे को लेट कर लेना है, किसके इक्वल, एक्स के इक्वल, इस पूरे को कैपिटल वाई के इक्वल। तो आपके पास पैराबोला आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर वाई। कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई, ए की वैल्यू कितनी, माइनस वन। शीर्ष क्या होते हैं, जीरो कोमा जीरो, यानी कैपिटल एक्स इक्वल्स टू जीरो, कैपिटल वाई इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ अपने पास कैपिटल एक्स और वाई है। इनकी वैल्यूज यहाँ से पुट कर देंगे तो जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, वो क्या आ जाएगा, वन अपॉन थ्री कोमा माइनस हाफ। फिर आगे चलते हैं नाभि की ओर, नाभि अगर वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर ए एक्स हो तो ए कोमा जीरो, अगर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर ए वाई हो तो क्या हो जाएगा, जीरो कोमा ए। तो इसमें पुट करते हैं एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू ए पुट करेंगे, तो यहाँ पे अपने को एक और वैल्यूज मिल जाएंगी। एक्स की वैल्यू पुट करनी है आपने सेमी एक्स माइनस वन अपॉन थ्री, कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है वाई प्लस हाफ, इक्वल में ए की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इसकी नाभि आ जाएगी वन अपॉन थ्री कोमा माइनस थ्री अपॉन टू। अक्ष, अक्ष क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू जीरो अक्ष होएगा इसका, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल्स टू जीरो, यानी x इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री। नाभि लंब की लंबाई जो है वो 4a होती है, तो यहाँ 4a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। तो लेंथ है ऑलवेज पॉजिटिव, तो मोड लगा देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी नाभि लंब की लंबाई 4। समीकरण क्या होगी, y इक्वल्स टू a, वहाँ अगर नाभि लंब की समीकरण देख रहे थे अपने, तो नाभि लंब की समीकरण क्या थी, x इक्वल्स टू a, ठीक है। यहाँ परवल्य दूसरा है तो यहाँ क्या आएगी, y इक्वल्स टू ए, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, नाभि लंब की समीकरण आ जाएगी y इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन टू। फिर आगे नेता की समीकरण, नेता की समीकरण डायरेक्ट्रिक्स की वो कितनी है, y इक्वल्स टू माइनस ए, तो सेम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू हाफ। आगे देखते हैं परवल्य, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर एक्स तथा रेखा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जनरल इक्वेशन है इनकी, इनका प्रतिच्छेदन। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करें, ये परवल्य और ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद करें कहीं, तो क्या कंडीशन होगी उसके लिए, तो सिंपल देखते हैं। अगर इसको प्रतिच्छेद करेगी तो वाई यहाँ पुट करने पर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
अपने वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद एक इक्वेशन मिलेगी एक्स की। अब ये दो बिंदुओं पे काटेगी तो अपने को दो कोऑर्डिनेट दो वैल्यूज मिलेंगी इसकी, एक्स वन और एक्स टू, उनके कोरस्पॉन्डिंग दो वाई वन वाई टू की वैल्यूज मिलेंगी। तो वो दो बिंदु होंगे आपके जो क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे जिन बिंदुओं पे ये रेखा इस परवलय को, ठीक है। अगर स्पर्श करती है तो स्पर्श करेगी तो सिर्फ एक बिंदु पे करेगी और वो तभी पॉसिबल है कि बी स्क्वायर इक्वल हो किसके, फोर ए सी के। श्रीधर आचार्य में अपने करते हैं एक्स के दो वैल्यूज निकालने के लिए, तो वहां पे अगर रूट वाली टर्म यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए सी, विव्यक्ति कर इसका क्या हो, जीरो हो या ये आपस में इक्वल हो, तब वो उसको क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो यहाँ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम सी माइनस टू ए, ए की वैल्यू एम स्क्वायर, सी की वैल्यू सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे इक्वल, सॉल्व करने पे सी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए अपॉन एम। ये स्पर्श बिंदु के लिए क्या होगी, कंडीशन होगी। अगर सी की वैल्यू ये है तो अपने को इक्वेशन निकालनी हो स्पर्श रेखा की, तो क्या आ जाएगी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे, ए अपॉन एम। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, टू ए अपॉन एम, ठीक है। अब देखते हैं अंतःखंड की लंबाई। सरल रेखा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी परवल्य वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स को बिंदुओं इन दोनों पे काटती है तो पी क्यू की लंबाई निकालनी है, तो पी क्यू की लंबाई सिंपल निकलेगी, फोर अपॉन एम स्क्वायर ए, ब्रैकेट में ए माइनस एम सी, फिर ब्रैकेट में वन प्लस एम स्क्वायर। आगे सिंपल है, स्पर्श रेखा ही है, स्पर्श रेखा अगर किसी बिंदु पे परवलय को स्पर्श करेगी तो उसकी समीकरण क्या होगी, अगर बिंदु एक्स वन वाई वन है तो समीकरण जनरल इक्वेशन हो जाएगी, अब वाई स्क्वायर है तो इसको दो हिस्सों में कर दोगे डिवाइड, वाई इंटू वाई वन, फोर एक्स है उसको क्या कर दोगे, टू एक्स प्लस एक्स वन, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। डाल रूप में अभी अपनों ने देखा सी की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, ए अपॉन एम, और कोऑर्डिनेट अपनों ने अभी देखे हैं ए अपॉन एम स्क्वायर, और सेकंड क्या आ जाएगा, टू ए अपॉन में एम, ठीक है। उसके बाद अभिलंब का समीकरण, अभिलंब अगर निकालना है तो अभिलंब निकालने के लिए मान लो एक बिंदु पे एक्स वन कोमा वाई वन पे स्पर्श कर रहा है ये, और उस पे अभिलंब बनाना है इस बिंदु के ऊपर। तो अगर देखें अपने इसके ऊपर स्पर्श रेखा की समीकरण सेम यही आएगी, यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू, इस वाई की वैल्यू निकालूँ तो ये आ गया वैल्यू, है ना। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता टू ए अपॉन में वाई वन, अभिलंब स्पर्श रेखा के क्या होगा, लंबवत होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एम, यानी माइनस वाई वन अपॉन टू ए, ये आपकी प्रवणता होगी किसकी, अभिलंब की। पहले स्पर्श रेखा फिर उसके बाद अभिलंब आ जाएगा। परवलय वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर एक्स के बिंदु, इस पर अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा, सिंपल एक बिंदु से गुजरने वाली सिंपल रेखा जिसमें आपके प्रवणता पता है, एक बिंदु पता है। अब ढाल रूप में अभिलंब की समीकरण देखें तो ढाल रूप में समीकरण क्या आएगी अभिलंब की, सेम यही इसकी प्रवणता, अगर आप y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे y1 की तो क्या आ जाएगी, माइनस टू ए एम, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ए एम स्क्वेयर, ठीक है। तो अब आपने ये x1 और y1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगी सिंपल जो कि ढाल रूप में है अभिलंब की, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, ढाल रूप में अभिलंब की समीकरण आपको बताई दी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। अब इसके फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द नॉर्मल, वो आपने अभी फाइंड की एक्स ऑन वाई वन की वैल्यू ए एम स्क्वेयर माइनस टू ए एम। अब यहाँ पे नोट है, अगर कोई परवलय किसी बिंदु पर ढाल रूप की समीकरण आपको पता ही है, अगर वहाँ एम की घात कितनी हो, तीन, अतः m के तीन मान प्राप्त होंगे, यहाँ तीन वैल्यू पुट तीन वैल्यूज मिलेंगी अपने को m की, इसको अपने चेंज करें m की फॉर्म में तो क्या बनेगा, ए एम क्यूब, इनमें m कॉमन ले लोगे, y1 एक तरफ, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। किसी बिंदु पर तीन अभिलंब खींचे जा सकते हैं, पहला पॉइंट।
सेकेंड इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है, तीन अभिलंब खींचे जा सकते हैं अगर इनकी प्रवणताओं का योग हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। अगर तीन अभिलंब खींचे जा सकते हैं तो उनकी प्रवणताओं का योग, ऐसे जो M1 M2 M3 मिलेंगे उनका योग हमेशा क्या होगा, शून्य। सेकेंड उनके पादों की कोटियों का योग क्या होगा, शून्य। जो यहाँ पे y की वैल्यूज निकालते हो आप, उसके अंदर m के ऊपर तीन वैल्यूज मिलेंगी, -2m -2m2 -2am3, तो यहाँ पे इनका भी योग क्या होगा, शून्य। कारण आप देख सकते हो -2m कॉमन और अंदर बचेगा m1 m2 m3 जो कि अपने को पता है सदैव क्या होगा, शून्य। तो पादों की कोटियों का योग भी क्या होगा, शून्य। आगे देखते हैं परवलय का प्राचलिक रूप या प्राचलिक समीकरण। परवलय वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax का प्राचलिक समीकरण, इसके अंदर x की वैल्यू क्या रहेगी, 8t² और y की वैल्यू 2at। तो किसी बिंदु के निर्देशांक अपने को सिंपल मिल सकते हैं 8t² और 2at, या अपने को इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं a/t² और 2a/t, यानी t की जगह 1/t पुट कर सकते हैं अपने, ठीक है। यदि परवलय सिंपल है, x² = 4ay होगा तो चेंज हो जाएंगे प्राचलिक मान इसके, x की वैल्यू आ जाएगी 2at और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8t². क्वेश्चन किस रूप से आएगा, y² = 9x पर स्थित 4, -6 का प्राचल क्या है। तो प्राचल देखना अपने को, तो a की वैल्यू निकालेंगे पहले, कितनी आ जाएगी 9/4। 2at की वैल्यू, y² = 4ax है तो 2at की वैल्यू क्या होगी, y के इक्वल -6 के यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर लो, कितनी आ जाएगी -4/3, ठीक है। अब इसी के अंदर इसकी नाभीय जीवा देखें, तो y² = 4ax के शीर्ष के नाभीय जीवा के शीर्ष जो है वो कितने होंगे, 81² और 2at1 तथा सेम t1 t2 पॉइंट के लिए। नाभीय जीवा के शीर्ष तभी होंगे जब t1 × t2 कितना हो, -1। क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक शीर्ष दे दिया जाता है, दूसरा पूछता है, तो पहले शीर्ष के अंदर t की वैल्यू जो है वो क्या पुट करते हैं आप, -1/t, ठीक है। स्पर्श सॉरी PQ रेखा की लंबाई कितनी आएगी, a ब्रैकेट में t1 − t2 √t1 + t2 का होल स्क्वायर +4। अगर ये नाभीय जीवा होगी, नाभीय जीवा होगी तो t1 t2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 के इक्वल, तो आप इसके अंदर -1 जैसे पुट करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगी जो कि क्या होगी, नाभीय जीवा की लंबाई, a ब्रैकेट में t1 − t2 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण देखें, प्राचल रूप के अंदर सारी अब कंडीशंस चलेंगी। परवलय y² = 4x के बिंदु 8t² और 2at पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, ty = x + at², ठीक है। अगर दो परवलय दे दें, y² = 4x और एक x² = 4by, तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श जीव स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी, तो x (a^1/3) y (b^1/3) (ab^1/3) = 0। सेम अभिलंब का समीकरण, अभी स्पर्श रेखा का देखा, अब अभिलंब का समीकरण देखेंगे। तो y² = 4x के बिंदु t पर अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा, y = tx = at² + 2at या 2at + at²। आगे देखते हैं अभिलंब जीवा, यदि परवलय y² = 4x के 8t² और 281 बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, पुनः परवलय को इस बिंदु पर मिले तो क्या कंडीशन रहेगी, t2 = t1 − 2/t1, ठीक है। ये कंडीशन अभिलंब जीवा के लिए रहेगी, और स्पर्श रेखा के लिए अपनों ने की थी वो क्या थी, स्पर्श रेखा नहीं, नाभीय जीवा के शीर्ष अगर गिवन हो तो उनके लिए कंडीशन क्या थी कि t2 = किसके, -1/t1 के। यहां अभिलंब जीवा के लिए आती है तो कितनी आ जाएगी, t2 = t1 − 2/t1। यदि ये नोट करने वाली बात है, यदि t1 t2 पर खींचे गए अभिलंब परवलय को मिलते हों तो t1 × t2 किसके इक्वल होगा, माइनस और सॉरी प्लस 2 के, ठीक है। नोट, टी बिंदु पर खींची गई नाभीय जीवा और उनके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल,
यानी टी बिंदु पर नाभीय जीवा खींच लो और उनके सिरों पर क्या खींच लो, स्पर्श रेखा। तो उससे जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, ए स्क्वेयर अपॉन टू ब्रैकेट में टी प्लस वन अपॉन टी की होल क्यूब। परवलय का व्यास ये मेन है, परवलय का व्यास क्या रहेगा, वाई इक्वल्स टू टू ए अपॉन एम। परवलय वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर एक्स की समांतर जीवा निकाय y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पर अचल है, के सापेक्ष व्यास का समीकरण। यानी परवलय और इसकी समांतर जीवा निकाय y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अल्फा के सापेक्ष व्यास का समीकरण क्या रहेगा। आगे देखते हैं, परवलय की नाभिलंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं m अभिलंबों द्वारा बना चतुर्भुज एक क्या होता है, वर्ग होता है, जिसका क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ एल इंटू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, परवलय के किसी नाभीय जीवा के दो अंतखंडों का हरात्मक माध्य उसके अर्ध नाभिलंब के बराबर होता है, अर्थात यदि पी एस पी डैश परवलय वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर एक्स की एक नाभीय जीवा हो तो टू इंटू पी एस डॉट एस पी डैश अपॉन में पी एस प्लस एस पी डैश इक्वल होगा टू ए के। मतलब इनका हरात्मक माध्य लिया आपने, ठीक है, वो इक्वल होगा इसके अर्ध नाभिलंब के, नाभिलंब 4a है तो 2a के इक्वल होगा। परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के p व q बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं t पर मिलती हो तो एक कंडीशन रहेगी st स्क्वायर इक्वल sp इंटू sq। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना जो टॉपिक है वो है अति परवलय। आपको जनरल अगर इसकी इक्वेशन देखनी हो तो इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू वन। यहाँ पे इसका ऊपर ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, वाई वाई डैश एक्सिस है, ये एक्स एक्स एक्सिस, यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स हैं इसकी और ये इसकी शेप है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, यहाँ जो पी पॉइंट को लेते हैं तो उससे नाभि और नेता इनकी जो डिस्टेंस है उनका अनुपात यानी इसेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, वन। ठीक है, तो आपके सामने ये फिगर बनेगा। अपने इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a जो कि ये है a से लेकर a डैश। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई संयुग्मी अक्ष की लंबाई वो कितनी आएगी, 2b। ठीक है, अब आती है लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम नाभिलंब की लंबाई जो कि कितनी है, 2b स्क्वायर अपॉन a। नाभि जो है वो है आपकी ae और एक है माइनस ae, यानी जो नाभियां हैं फोकाई है वो है प्लस माइनस ae कोमा जीरो। तो जब अपने ae वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को y की वैल्यू क्या मिलेगी, b स्क्वायर अपॉन a और माइनस b स्क्वायर अपॉन a। तो लेटरस रेक्टम नाभिलंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2b स्क्वायर अपॉन a। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। टेंजेंट और नॉर्मल, ये नॉर्मल है, टेंजेंट अगर किसी पॉइंट x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी हो तो अपने क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर किसी पॉइंट पे नॉर्मल देखना हो, नॉर्मल एट एक्स को एक्स वन कोमा वाई वन, तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए लाइन है कोई वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू हाइपरबोला, अति परवलय की स्पर्श रेखा होगी। कंडीशन है कब, जब सी स्क्वेयर इक्वल होगा ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और किस पॉइंट पे वो टच करेगी हाइपरबोला को, वो आएगा माइनस ए स्क्वेयर एम अपॉन में ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉमा माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यानी अपॉन में किसकी वैल्यू आएगी, सी की, ऊपर क्या आएगा माइनस ए स्क्वेयर एम और माइनस बी स्क्वेयर। ये जो है फोकल प्रॉपर्टी नाभीय गुण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू वन, जो कि अति परवलय हाइपरबोला की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अति परवलय के किसी बिंदु पी पर नाभीय दूरियों का जो अंतर है
किसी पी बिंदु से दोनों नाभियों का जो अंतर है, डिस्टेंस है, उनका डिफरेंस वो इक्वल होता है किसके, उसके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के। यानी कोई पी पॉइंट है, नाभियां एस और एस डैश से उसका जो डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का, वो इक्वल होगा किसके, अनुप्रस्थ अक्ष या ट्रांसवर्स एक्सिस 2a के। अब कुछ एक टाइप्स हैं हाइपरबोला के, वो देखते हैं। विशेष प्रकार के अतिपरवलय, पहला है आपका आयतीय अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यदि किसी अतिपरवलय के अक्ष यानी ए और संयुग्मी बी समान हो, तो सिंपल इक्वेशन है, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की वैल्यू भी आपस में क्या होगी, इक्वल। तो अपने पास अतिपरवलय की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या मिल जाएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। और इसकी अगर अपने उत्केंद्रता देखें, इसेंट्रिसिटी देखें, ये क्वेश्चन आता है आयतीय अतिपरवलय की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, उत्केंद्रता कितनी होती है। तो जब ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, ए और बी आपस में इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन रूट के अंदर, यानी अंडर रूट टू। अब एक और इम्पोर्टेंट है हाइपरबोला का टाइप, वो है संयुग्मी अतिपरवलय यानी कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सिंपल है, इसके अंदर हाइपरबोला की इक्वेशन में इक्वल्स टू वन रहता है, इसमें क्या आएगा, सेम इक्वेशन लेफ्ट साइड रहेगी, राइट में क्या आएगा, माइनस वन। ठीक है, डेफिनेशन देखिए क्या है, यदि दो अतिपरवलय इस प्रकार हो कि एक का अनुप्रस्थ तथा संयुग्मी दूसरे का संयुग्मी तथा अनुप्रस्थ हो, तो वे परस्पर क्या कहलाते हैं, अतिपरवलय, संयुग्मी अतिपरवलय। यानी पहले का अनुप्रस्थ दूसरे का संयुग्मी हो, पहले का संयुग्मी दूसरे का क्या हो, अनुप्रस्थ अक्ष हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका संयुग्मी अतिपरवलय। आगे देखते हैं, आगे है अतिपरवलय में नियामक वृत्त। नियामक वृत्त यानी अतिपरवलय के लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु का बिंदुपथ, जिसकी समीकरण क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे आता है अभिलंब। अतिपरवलय सिंपल दिया हुआ है, उसका अभिलंब देखना है किसी बिंदु एक्स वन वाई वन पे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई फाई बिंदु पे देखना है, तो ए एक्स कोस फाई प्लस बी वाई कोट फाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ढाल रूप में देखना है, एम ढाल में, तो सी की वैल्यू अपने यहाँ क्या पुट कर लेंगे, माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। व्यास जो कि इंपॉर्टेंट है, यदि कोई अतिपरवलय का जीवा निकाय वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के सापेक्ष व्यास का समीकरण, तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एम एक्स। ध्यान रखने वाली बात यह है, वाई बराबर एम वन एक्स तथा वाई बराबर एम टू एक्स अतिपरवलय के संयुग्मी व्यास हो। क्वेश्चन सिंपल आएगा कि अगर ये संयुग्मी व्यास है, तो नीचे दी हुई कंडीशन में से कौन सी सही है, तो अगर दो अतिपरवलय के संयुग्मी व्यास है ये, तो एम वन एम टू इक्वल होगा किसके, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर के। अब देखते हैं एंगल के बारे में, किसी अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण, कोण निकालना है, तो टेन इनवर्स टू ए बी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, या अपने इसको ये लिख सकते हैं टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, या बी अपॉन ए की जगह इसेंट्रिसिटी में चेंज करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक इनवर्स में। आगे बढ़ते हैं दीर्घवृत्त पे, एलिप्स। अगर आप जब इसको दीर्घवृत्त को पढ़ें, तो अतिपरवलय को साथ लेकर चलें, दोनों सिमिलर से हैं, कुछ एक साइंस का डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी वही रहेगी, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। इसेंट्रिसिटी लेस देन वन होनी चाहिए, तो इसका जो फिगर है वो किस साइड बनेगा, वाई एक्सिस के अराउंड। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2a, माइनर की देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2b। इसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना आपने, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यहाँ माइनस है, अतिपरवलय में यहाँ क्या था, प्लस था। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम की लेंथ सेम वही है, टू बी स्क्वायर अपॉन ए। फोकाई दे रखी है दोनों नाभियां, प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो रिस्पेक्टिवली।
अब इसकी अदर फॉर्म इसी को सेम अपने दूसरा चेंज करके लिखें, जहाँ पे ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो बी स्क्वायर, तो कैसा बनेगा कुछ इस शेप का। ठीक है सिंपल, इसकी फोकाई चेंज हो जाएगी, 0, a यहाँ क्या आ जाएगा 0, -a। ठीक है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इस बार क्या हो जाएगी 2a और माइनर की 2b। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम नाबिलम की लंबाई हमने देख ली, सेंट्रिसिटी देख ली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टेंजेंट ऑफ एलिप्स। एलिप्स दिया हुआ है किसी पॉइंट पे टेंजेंट देखनी है, तो एक्स स्क्वायर की जगह x1 आ जाएगा, वाई की जगह वाई वन और बाकी सारा सेम। आगे है इंटरसेक्शन ऑफ एन एलिप्स एंड ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन और एलिप्स का इंटरसेक्शन हो तो क्या कंडीशन रहेगी, उस केस में c की वैल्यू या c स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये कंडीशन है फॉर विच द स्ट्रेट लाइन टच द एलिप्स। किस कंडीशन किस चीज की, कि वो सरल रेखा एलिप्स को क्या करेगी, सिर्फ टच करेगी। देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की वैल्यू ये रिप्लेस हो जाएगी, और पॉइंट्स क्या आएंगे, माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन में सी की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी की वैल्यू। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट पूछता है तो सेम वही, टेंजेंट एट पॉइंट ए कोस थीटा प्लस कॉमा बी साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा एक्स एक्स वन की जगह क्या आ जाएगा ए कोस थीटा वाई बी साइन थीटा, बाकी सारा सेम। नॉर्मल टू एलिप्स, नॉर्मल निकालना है अपनों ने एलिप्स का एट पॉइंट x1, y1, तो क्या आएगा x माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई वन कोमा अपॉन में बी स्क्वायर। फोकल प्रॉपर्टी दीर्घवृत्त के लिए, दीर्घवृत्त है किसी बिंदु दो स्थिर बिंदुओं यानी नाभियों से दूरियों का योग जो है वो दीर्घ अक्ष की लंबाई के क्या होता है बराबर। अपनों ने अति परवलय किया तो यहाँ डिफरेंस था उनके नाभियों से, और यहाँ उनका क्या है दूरियों का योग है जो किसके इक्वल है 2a के दीर्घ अक्ष के। इसी के साथ अपने जो आज की वीडियो है वो ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी से जल्दी कंप्लीट आज के टॉपिक को नोट करके आप दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू।